गाइस आज अपन बोट लेके फिशिंग करने के लिए आ गए क्योंकि इस नदी में बहुत सारा मछली पाया जाता है। चलो अभी अपन एक अच्छा खासा जगह देखते हैं जहाँ से अपन फिशिंग कर सकते हैं। ओके सामने भी मेरे को दो लोग दिखाई दे रहा है जो इधर फिशिंग कर रहा है, देख रहे हो। चलो अपन इस तरफ चल के देखते हैं, शायद इस तरफ कोई अच्छा खासा जगह मिल जाए। और इधर का नदी भी थोड़ा सा पतला है। ओके ये वाला जगह मेरे को सही लग रहा है। ऑल राइट अपनी बोट को मैंने चढ़ा दिया है, अभी अपन इधर ही फिशिंग करेंगे। चलो देखते हैं पहली बार अपन को क्या मिलता है। अपनी कांटे में कुछ फंसा है शायद, चलो देखते हैं। ओके एक मछली मिल गया है, देखते हैं अभी क्या मिलता है। एक और मछली मिला, ऑल राइट अपन को तीन मछली मिल गया है। देख रहे हो इधर की नदी में कितना सारा मछली है। चलो अपन कुछ देर तक और भी फिशिंग करते हैं। ऑल राइट अपन को 15 मिनट में इतना सारा मछली मिल गया है, अपन और थोड़ा सा फिशिंग करेंगे फिर इधर से निकलेंगे। चलो देखते हैं इस बार अपन को क्या मिलता है। ये क्या कुत्ते का सम कहां से आ रहा है भाई साहब, ये क्या इतने सारे कुत्ते, एक सेकंड रुक जाओ, ये तो किस तरह के रोबोट है कुत्ते। अरे यार भागो, ये लोग तो मेरे को ही मारना चाहता है, ये सारे मिलिट्री वालों की रोबोट कुत्ते। कमॉन कमॉन जल्दी भागो यार, इधर तो कीचड़ में मैं फंस गया था, कोई तो मेरे को बचाओ, ये लोग मेरे को छोड़ेगा नहीं। ओके इधर पेड़ पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। ऑल राइट इधर से मैं नहीं उतर रहा कुछ भी हो जाए, लेकिन पता नहीं इधर रोबोट वाले कुत्ते कहाँ से आ गया, ऐसे कुत्ते मैंने कभी नहीं देखा है। सारे लोग मछली की खुशबू से आ गए, इनके हाथों से कोई तो मेरे को बचाओ। मेरे को कहीं से गाड़ी की साउंड सुनाई दे रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, कोई तो अपनी तरफ गाड़ी लेके आ रहा है। अरे भाई सभी तो भीजन है, ये क्या आल्ट्रॉन की कुत्ते इधर क्या कर रहा है, इन सब की ऐसी की तैसी, सबको मैं आज तबाह कर दूंगा। एले मेरे मानसों की पावर से कोई नहीं बच सकता। एक बच्चे को मारने के लिए आल्ट्रॉन ने अपने कुत्ते भेजा है। ओके रोबोट वाले कुत्ते सारे आल्ट्रॉन के कुत्ते थे, लेकिन भिजन ने अपन को बचा लिया है। ओए बच्चे अब नीचे आ जा। ओके ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ। आखिर में अपन को भिजन नहीं बचा लिया है, अगर भिजन नहीं आता मैं तो मर ही जाता इधर। लेकिन बच्चे तू ये बता, तू इस जंगल के अंदर क्या कर रहा था। मैं तो इधर मछली पकड़ने के लिए आया था, लेकिन अचानक से मेरे पीछे बहुत सारे आल्ट्रॉन के कुत्ते आ गए। खैर बच्चे तू जंगल में अकेला मत घुमा कर, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे मेरे गाड़ी से सैर छोड़ दूंगा। लेकिन मिस्टर भिजन आपकी गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा औसम है, क्या मैं इस गाड़ी को चला सकता हूँ। ओके ठीक है बच्चे चल। ऑल राइट अपन को भिजन की गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा, चलो अपन चढ़ जाते हैं। इस गाड़ी का नाम भी है भिजन, देख रहे हो। ओके मिस्टर भिजन भी बैठ गए, अभी चलो इस गाड़ी को लेकर अपन चलते शहर की तरफ। बच्चे सामने से लेफ्ट लेना, हम लोग इधर से जल्दी शहर पहुंच जाएंगे। ओके ठीक है। अरे भाई साहब ये क्या, कौन अपनी गाड़ी में गोली मार रहा है, ये तो आल्ट्रॉन है, आल्ट्रॉन इधर आ गया है। अरे भाई साहब आल्ट्रॉन तो अपने पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा है, क्या ही मार रहा है ये। अरे यार इसको क्या चाहिए। बच्चे तू गाड़ी रोक, मैं इस आल्ट्रॉन को देखता हूँ। मिस्टर भिजन तो आल्ट्रॉन से बात करने के लिए जा रहा है। ओए आल्ट्रॉन तू कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तूने कुत्ता भेजा एक बच्चे को मारने के लिए। अरे भिजन के बच्चे तू बात ही मत कर, तूने मेरे कुत्ते को मारा है, आज मैं तुझे तबाह कर दूंगा। आल्ट्रॉन और मिस्टर भिजन के बीच फाइट हो रहा है। अरे आल्ट्रॉन तू काफी ज्यादा चालाक है, मिस्टर भिजन के अटैक से बच रहा है और घूम के मिस्टर भिजन को ही मार रहा है, लेकिन मिस्टर भिजन भी कम नहीं है। अरे भाई साहब ये क्या, आल्ट्रॉन ने मिस्टर भिजन के अटैक को पकड़ लिया है, ऊपर से घूम कर भिजन को ही मारा है। मिस्टर भिजन को शायद गुस्सा आ गया है, मिस्टर भिजन तो आल्ट्रॉन को उखाड़ दिया है, भिजन की पावर तो बहुत ज्यादा है। मिस्टर भिजन आपने आल्ट्रॉन को तो पूरी तरह खत्म कर दिया है। मैंने बस आल्ट्रॉन की इस पल्ली बॉडी को मारा है, लेकिन आल्ट्रॉन इंटरनेट के माध्यम से इधर से भाग गया, उसको तो मैं बाद में मारूंगा। लेकिन बच्चे अब तू घर नहीं जा सकता। ये कैसी बात है मैं घर नहीं जा सकता। क्योंकि बच्चे आल्ट्रॉन ने तुझे मेरे साथ देख लिया है, अभी वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तू मेरे साथ रहेगा और मैं तुझे ट्रेनिंग देकर और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। ऑल राइट अपन को मिस्टर भिजन से ट्रेनिंग मिलेगा, आज से मिस्टर भिजन अपनी मास्टर है। ओके अपन तैयार है आपके साथ जाने के लिए। ठीक है बच्चे अभी तू मेरे मेंशन चल। बच्चे तू मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं तेरे सोने की जगह दिखाता हूँ। ओके ठीक है। बच्चे तू आज से इधर ही सोएगा ठीक है, और कल से तेरे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तुझे मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। अरे यार मैं फिर से सो गया था, आज मेरे को जिम पे जाना है मास्टर के साथ,
लेकिन मैं फिर से लेट हो गया। मास्टर मेरे लिए इंतजार कर रहा है शायद, जल्दी चलो यार। ओके, और हाँ मास्टर, मास्टर पता नहीं कैसे सुबह सुबह उठ जाता है। अरे बच्चे, इतना सोया मत कर, जल्दी से गाड़ी में बैठ और जिम पे चल। ओके मास्टर, ठीक है। ओके अपन गाड़ी में बैठ गए, अभी जल्दी से जिम पहुँचते हैं। ओके हम लोग जिम पहुँच गए, सामने ही है जिम। देख रहे हो इधर कितने सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, चलो अपन भी अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं मास्टर के साथ। मास्टर विजन के साथ ट्रेनिंग कर करके अपन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन गए। हम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग कोई भी नहीं है। अरे भाई सभी, क्या ये तो आल्ट्रॉन की बॉट है। आल्ट्रॉन की बॉट्स हम लोगों को चारों तरफ से खेल लिया है, इनके ऐसी की तैसी। अपन भी मास्टर के साथ ट्रेनिंग करके अपनी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरे भाई अपने मास्टर इनको क्या ही मार रहा है, अपनी पंच की पावर बहुत ही ज्यादा है, क्या ही मार रहे अपन। अरे भाई मास्टर तो माइंड स्टोन से सबको मार रहा है, लेकिन कोई बात नहीं अपन भी इनको मारते हैं। भाई ये क्या किया मास्टर ने, एक साथ सबको उड़ा दिया है। ये आल्ट्रॉन कभी नहीं सुधरने वाला। खैर बच्चे चल घर चलते हैं, आज बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज हो गया। आल्ट्रॉन ने सोचा इतने सारे रोबोट भेज के हम लोगों को मार देगा, लेकिन अभी हम लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। चलो अभी फटाफट घर चलते हैं, मेरे को भी बहुत ज्यादा भूख भी लगा है। और गाइस अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और अपनी ड्रैगन आर्मी को जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करवा दो। ऑल राइट हम लोग घर पहुंच गए, मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। और अपने मास्टर तो कुछ भी नहीं खाते क्योंकि मास्टर एक तरह की रोबोट है। लेकिन बच्चे घर में तो कुछ खाना नहीं है, तू जल्दी से मार्केट चला जा, उधर से कोई नूडल वगैरह खरीद के ला, और मैं इधर पानी उबलता हूँ। ओके मास्टर ठीक है, आप पानी उबालो, मैं जल्दी से जाकर मार्केट से कोई नूडल खरीद के लाता हूँ। पापा ने सुपरमार्केट से बैग भर के नूडल ले लिया है, अभी चलो फटाफट घर चलते हैं। उम्मीद है कि मास्टर पानी उबल लिया है। अरे भाई साहब मास्टर गया किधर, इधर ही तो थे। अरे भाई साहब ये क्या हो गया मास्टर के साथ, चलो अपन थोड़ा पास से देख लेते हैं। ये क्या, मास्टर के हेड से माइंड स्टोन गायब है, किसी ने माइंड स्टोन को ले लिया है, जिसकी वजह से मास्टर के बॉडी में अभी जान नहीं है। अपन घर पे नहीं थे और इसी टाइम पे किसी ने मास्टर को मार के चला गया। एक सेकंड रुक जाओ, अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा है, चलो मैं सीसीटीवी में देख लेता हूँ किसी ने मास्टर को मारा है। इधर से हम लोग देख सकते हैं। फाइनली मैंने तुझे मार दिया, अब तेरा माइंड स्टोन मैं लेके चला जाऊंगा, पर माइंड स्टोन के बिना तू जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके इसका मतलब आल्ट्रॉन ने मास्टर को मारकर माइंड स्टोन लेके चला गया। इस आल्ट्रॉन की ऐसी की तैसी, अभी मुझे आल्ट्रॉन को ढूंढना होगा और किसी भी तरह आल्ट्रॉन को हराकर माइंड स्टोन को लाना होगा, जिससे केवल मास्टर को फिर से जिंदा कर पाए। चलो अभी देखते हैं आल्ट्रॉन के बच्चे क्या किधर, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अपन इस ट्रैकर की मदद से माइंड स्टोन को सुबह से ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिर का शायद हम लोगों को माइंड स्टोन मिल गया, क्योंकि इसी घर से सिग्नल बहुत तेजी से आ रहा है। चलो मैं छुप छुप के देखता हूँ इस घर के अंदर क्या चल रहा है। अरे भाई साहब ये क्या, इधर तो आल्ट्रॉन और भी कुछ लोग मेरे को दिख रहा है। चलो मैं इधर छुपके से देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है। इधर से मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। क्या हमारा व्हाइट विजन तैयार है? आल्ट्रॉन सर हमारा विजन तैयार है, माइंड स्टोन को हम लोगों ने लगा दिया है, अब बोले तो हम लोग इसको अभी चुका दे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसको उठाओ। अरे भाई साहब ये क्या, इनका विजन भी खड़ा हो गया है, और ये तो खड़ा होते ही सबको मार रहा है, इसने सारे के सारे साइंटिस्ट को मार दिया है। आल्ट्रॉन मुझे पता है तूने मुझे बनाया है, इसलिए मैंने तुझे नहीं मारा। अरे हाँ विजन, मैंने ही तुझे बनाया है, अब हम दोनों मिलके पूरी शहर पर राज करेंगे। अरे भाई साहब ये व्हाइट विजन तो बिल्कुल भीलन है, आल्ट्रॉन के साथ ही मिल गया है। आल्ट्रॉन ही पहले मुसीबत था, अब इसके साथ व्हाइट विजन भी मिल गया है। मेरे को कुछ ना कुछ सोचना होगा जिससे कि मैं इन दोनों को हराऊं और इनसे माइंड स्टोन ले जाकर अपने मास्टर को जिंदा करूं। लेकिन मैं कर कह सकता हूं, इन दोनों के सामने मैं टिक ही नहीं सकता। एक सेकंड रुक जाओ, अपने पास एक आइडिया है। एवेंजर्स के पास पावर स्टोन भी होगा, और एक बार पावर स्टोन अपने पास आ जाए तो फिर अपन पावर स्टोन की मदद से आल्ट्रॉन एंड व्हाइट विजन दोनों को ही हरा सकते हैं। लेकिन एवेंजर्स वाले अपन को कभी भी पावर स्टोन नहीं देगा, इसलिए मेरे को उनके घर में चोरी करना होगा। अभी रात भी हो चुका है, शायद सारे के सारे एवेंजर्स सो गए। अभी अपन चुपके से एवेंजर्स के घर में घुसेंगे और पावर स्टोन को चोरी कर लेंगे। ऑल राइट अपन पहुंच गए एवेंजर्स के घर पर, लेकिन मैं सामने से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा,
अगर वो लोग मेरे को देख लेगा मेरे को छोड़ेगा नहीं, इसलिए अपन पीछे से अंदर चलेंगे। देखते हैं पावर स्टोन है किधर, चलो अपन छुप छुप के चलते हैं। उर्री भाई साहब तो थॉर है, थॉर घूम रहा है ऊपर। खैर कोई बात नहीं, वो तो उस तरफ घूम गया है। अरे भाई तो घूम के इस तरफ आ रहा है, मैं कहाँ पर छुपूँ? अरे मैं क्या करूँ, ये तो मेरे को इधर पकड़ लेगा। ओके मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ। ऑल राइट अपन इसके अंदर छुप गए, अभी थॉर मेरे को बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा। देख रहे हो अपन कैसे गायब हो गए। चलो थॉर के मुंह उस तरफ है, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ। देखते पावर स्टोन लोगों ने कहाँ पर रखा है, नीचे तो कैप्टन अमेरिका घूम रहा है। चलो मैं इस रूम पे घुस जाता हूँ सबसे पहले। अरे भाई अपन तो बिल्कुल सही रूम पे घुस गए, इधर ही एवेंजर्स की सारी चीज़ रखा हुआ है। ओके ये रहा पावर स्टोन, चलो मैं इसको ले लेता हूँ फटाक से। पावर स्टोन को हाथ में लेते ही अपनी पावर बढ़ गया है। ओके थॉर उस तरफ जा रहा है, चलो मैं जल्दी से इधर से निकलता हूँ इससे पहले कि थॉर को पता चले। ऑल राइट अपन निकल गए। सुबह होते ही अपन पहुंच गए आल्ट्रॉन के घर पर। इसको अपन छोड़ेंगे नहीं, इसके ऐसी की तैसी। आल्ट्रॉन के बच्चे बाहर निकाल, अपन इसके गेट को ही तोड़ दिया है। चलो अंदर चले देखते हैं आल्ट्रॉन क्या कर रहा है। अरे तू तो वही बच्चा है जो भेजन के साथ था, बच्चे आज तू मरेगा। अरे भाई सब आल्ट्रॉन मेरे को क्या ही मार रहा है, और व्हाइट विजन भी आ गया है। अरे भाई दोनों मिलके मार रहा है, मैं तो इसको मार भी नहीं पा रहा। अरे यार मेरे को मारने का मौका तो दे, मैंने सोचा मैं दोनों को मार दूंगा, लेकिन इनकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। एक को मैं मार रहा हूँ, एक आके मेरे को पीछे से मार रहा है, लेकिन अपने पास पावर स्टोन है इसलिए मेरे को ज़्यादा डैमेज भी नहीं पड़ रहा। अरे भाई क्या ही मार रहा है, कितनी दूर फेंक दिया है। आल्ट्रॉन आ रहा है, आल्ट्रॉन को बच्चे ले तू, इसको पहले मार देता हूँ मैं। तैयारी ऐसी तैसी ले। ऑल राइट इसके साथ काम खत्म, इस बार अपने ऐसा मारा इसको, ये तो बिल्कुल जल गया है। अभी बस व्हाइट विजन की बारी है और उसको ही मुझे मारना है। ये तो मेरे को और भी ज़्यादा मार रहा है। अरे यार मारने का मौका तो दे, क्या ही खतरनाक तरीके से मार रहा है। ये ले तू, बहुत हो गया तेरा, ये ले। ओके इसकी भी काम खत्म, दोनों को ही अपने पावर स्टोन की मदद से हरा दिया है। अब इसके पास अपन माइंड स्टोन को ले लेते हैं। माइंड स्टोन को उखाड़ने में टाइम लगेगा, इसीलिए अपन इसकी मुंडी उखाड़ लिया है। अभी अपन इसको लेकर चलते हैं घर पर, मास्टर को जिंदा करना है। फाइनली अपन ने मास्टर को फिर से जिंदा कर दिया है, और अभी मास्टर अपने लिए नूडल बना रहा है। सो खैर गाइस, आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अपन ऐसी ऑसम वाली जीडीएफ की वीडियोस लाएंगे। एंड गाइस आप लोग जरूर कमेंट में लिखो आप लोग और किसकी मास्टर वाली लाइफ देखना चाहते हो। सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।